क्या आप चाहते हैं कि हर महीने की जो इनकम है वो लगभग 5-6 लाख रुपए से स्टार्ट हो? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आप एक ऐसे बिजनेस में डील करें जो हर घर की जरूरत हो, आपको बेचने की जरूरत ना पड़े, कस्टमर लाइन लगा करके आपके सामान को लेने के लिए खड़े रहे? क्या आप एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपका जो स्टाफ है आप उनको हायर कीजिए, आप प्लस में कोई और बिजनेस कर रहे हैं तो उसको करते रह सकते हैं और ये आपका साइड बिजनेस की तरह एक बहुत बढ़िया इनकम जनरेट करके दे सकता है। आपको जो कंपनी है वो पूरा आपके स्टाफ को ट्रेन करेगी ताकि आप एक अच्छी सी इनकम जनरेट कर सके। तो नुकसान होने का 0% भी चांस नहीं, 15 से 17 लाख की सेल आती है मंथली और इसमें आपका 25-30% का ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। मिनिमम 5% to 50% तक का हम कस्टमर के लिए ऑफ प्रोवाइड करते हैं। छत के नीचे सारे सामान मिलेंगे उनको। दोस्तों नमस्कार, युवा बिजनेस आइडियाज के एक और नए प्यारे से एपिसोड में मैं आपका दोस्त मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आप इस वीडियो को देख करके कम से कम 5-6 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये बिजनेस क्या रहेगा, कैसे अर्निंग होगी, कंपनी क्या सपोर्ट करेगी और किस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, उसके लिए मेरे साथ में अभी मेगा मैम है जो आपको मेरे इन सवाल का या आपके इन सवाल का जवाब देने वाले हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मेघा है, मैं नोएडा से बात कर रही हूँ, 7 हेवन से। हमारे आज के टाइम पे 300 प्लस आउटलेट ओपन है। हाँ। और हाँ जी बिल्कुल, जो कि हर स्टोर हमारा मिनिमम 3 से 5 लाख का इनकम कमा रहे हैं। जो छोटे स्टोर भी ओपन है हमारे मिनिमम 300 स्क्वायर फीट पे, हाँ। उनकी भी जो सेल आ रही है पर मंथ, हाँ। ठीक है, वो जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, हाँ। वो 3 से 5 लाख के कमा रहे हैं। मतलब बहुत शानदार है मैम। हाँ जी बिल्कुल। तो ये क्या बिजनेस है मैम, कैसे इसको करा जा सकता है? ये बिजनेस है बेसिकली एक ग्रोसरी मार्ट ओपन होता है, ठीक है। 7 हेवन एक ग्रोसरी मार्ट ओपन करती है। इसमें क्या बेनिफिट होता है, आप देखिए बिजनेस बहुत सारे आज के टाइम पे, कोई क्लोथिंग में करता है, कोई शूजिंग में करता है ना जी, अनगिनत है। अब कई बिजनेस में लॉस होने का हमें चांस दिखता है, स्टोर चला नहीं चला है ना। अब ग्रोसरी कैसा बिजनेस है, हाँ। जिसमें भी नुकसान होने का 0% भी चांस नहीं है, क्योंकि देखिए दाल चावल आटा चीनी मसाले, हाँ जी, सबकी नीड है। वो एक बार को पर्सनल केयर यूज करना बंद कर दें, है ना, हाँ जी, लेकिन उन्हें दाल चावल आटा चीनी सबको चाहिए, जैसे कोविड में हमने देखा ही। अगर ये फ्रेंचाइजी चाहिए तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, या इन्वेस्टमेंट से पहले तो मैं चाहूंगा कि एरिया कितना चाहिए सर? कंपनी तो मिनिमम 300 स्क्वायर फीट से लेके, ठीक है, मैक्सिमम 10,000 स्क्वायर फीट तक ओपन करते हैं, ठीक है। हाँ जी, प्रॉपर्टी उनकी ऑन हो या रेंटेड हो, हाँ, रेंटेड हो कोई तो फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, अब देखिए हम क्या चाहते हैं कि जब रेंट भी प्रॉपर्टी लें, हाँ, तो हमने एक टाइप कर रखा है कि आपको फर्स्ट टायर सिटी में इतना रेंट होना चाहिए, सेकंड टायर सिटी में ये रेंट होना चाहिए, थर्ड टायर सिटी में आपका ये रेंट होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम जब हम 300 स्क्वायर फीट तक ओपन करते हैं स्टोर, तो वहाँ पे आपका 10 से 12 लाख तक का सेटअप रेडी हो जाता है, जिसमें हमारी सारी चीजें इंक्लूडेड हो जाती है। हम जब परचेसिंग करवाते हैं, ठीक है, तो हम पहले उस लोकेशन का सर्वे करते हैं कि उस लोकेशन पे क्या ब्रांड चलता है, ठीक है, उसके बाद ही हम परचेसिंग भी आपकी करवाते हैं। अच्छा, वो भी मार्केट के हिसाब से मार्केट के, बिल्कुल बिल्कुल। अब कई लोकेशन पे क्या है, जैसे मैं बिहार की बात कर लूँ, हाँ जी, ठीक है, वहाँ पे मसालों में अलग अलग वैरायटीज है, ठीक है, वहाँ पे अपना लोकल राकेश मसाला हो गया या फिर भी कुछ लोकल मसाले हो गए वो चलते हैं, ओके। तो वहाँ पे MDH अगर हम परचेसिंग करवा देते हैं, तो वहाँ पे वो चलेगा ही, सेल आउट नहीं होगा, है ना, ठीक है, तो इससे लॉस होगा। तो हम हमारा मेन होता है कि पहले उस लोकेशन को देखना कि उस लोकेशन पे क्या चलेगा, वहाँ की क्या टेस्ट है, देन हम परचेसिंग। तो मतलब आपका पूरा टीम पहले सर्वे करने जाएगा, बिल्कुल, तब जाकर वो फाइनल करते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। ये अच्छा है मैम। अगर 10,000 स्क्वायर फीट का खोलने तो उसमें इन्वेस्टमेंट कितना चला जाता होगा? आपका 2 से 8 तक चला जाएगा, 2 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम स्टोर हम ओपन करके दे रहे हैं आपको, तो स्टाफ की हायरिंग भी हम ही करके देते हैं आपको, साथ में उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है ना, कि अगर कोई कस्टमर हमारे पास आ रहा है, ठीक है, वो भी स्टार्टिंग में आ रहा है कि उनको क्या क्या चीज की प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्काउंट कैसे दिखाना है, ठीक है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी। अब कोई भी स्टाफ सर देखिए कंटिन्यू एक स्टोर पे नहीं रह सकता है ना, हाँ जी, तो एंड टाइम पे उनको दोबारा स्टाफ चाहिए, ठीक है, तो भी दोबारा हम उनको स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, दोबारा उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ओके। और जो मैम ये बिलिंग काउंटर पे जो सॉफ्टवेयर लगाते हैं आप लोग, जो ऑटोमेटिकली ऐसे स्कैन करा और डालते रहते हैं, हाँ जी, हाँ वो जी। सारे सॉफ्टवेयर वगैरह आप ही प्रोवाइड करेंगे? हम ही प्रोवाइड करते। डिस्काउंट जो लगेगा प्रोडक्ट पे, भाई मान लीजिए बिस्किट है इस पे कितना परसेंट देना है, वो आप डिसाइड करेंगे या वो फ्रेंचाइजी ओनर डिसाइड करेगा? देखिए डिसाइड क्या होता है कि हम हमारी जो ऑपरेशन टीम है वहाँ पे बात करती है कि आपके लोकेशन पे ये डिस्काउंट चलना चाहिए या फिर ये छूट दीजिए आप। आप कहते हैं कि नहीं मुझे इस पे भी 10% नहीं लगाना, मैं 5% ऑफ लगाना चाहता हूँ या 15% ऑफ लगाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आप लगा। अच्छा, वो भी फ्रेंचाइजी ओनर का उनकी मर्जी है, वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, आप उसमें कोई जबरदस्ती नहीं करते। नहीं नहीं सर। 300 स्क्वायर फीट के एरिया के लिए आपने बोला कि
लगभग 10-12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। तो 10-12 लाख रुपए जो आप लेंगे वो उतने का प्रोडक्ट दे देंगे या उसमें कोई फीस है आपकी? हमारी फ्रेंचाइजी कॉस्ट है 2,10,000 प्लस 18% GST, 2,47,800। ठीक है, ये आपने ले लिया, ये लाइफ टाइम रहेगा? ये लाइफ टाइम, एक ही बार देना है ना, एक ही बार पेमेंट करनी है। जो हर महीने की सेल आएगी उसपे कोई रॉयल्टी नहीं लोगे? हमारे जो रॉयल्टी है वो 5 लाख की सेल पे 3% रॉयल्टी है। अच्छा, सिर्फ 3% है 5 लाख की सेल? बिल्कुल बिल्कुल। 5 लाख से अगर डाउन है तो कोई रॉयल्टी नहीं है। और ये बढ़ती है तो सेल अगर 10-15 लाख तक जाती है तो अभी 3% ही रहेगा। बिल्कुल। देन इसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि पर लॉगिंग 50,000 है पर काउंटर, जो एक बिलिंग काउंटर जो लगेगा उसका 50,000 रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। होटल स्टोर पे मिनिमम एक बिलिंग काउंटर से स्टोर कवर हो जाता है। बर्थडे स्टोर पे 2 से 3 बिलिंग काउंटर, 4 बिलिंग काउंटर, जैसे स्टोर की लेंथ बढ़ रही है, हम लोग स्क्वायर फीट में बड़ा कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग सॉफ्टवेयर अपडेट। देन हमारा इंटीरियर कॉस्ट आता है, ठीक है, जैसे कंपनी 1000 स्क्वायर फीट से लेके 1200 पर स्क्वायर फीट में चार्ज करते हैं। अभी तो हमने एक मोटा मोटा बताया कि भाई 5-6 लाख का प्रॉफिट निकलता है। अगर मैं इसको परसेंटेज में बात करूं जिसमें ताकि हर बंदा रिलेट कर पाए कि भाई क्या, तो वो कितना परसेंटेज प्रॉफिट मान के चल सकता हूँ? अगर हम 1000 स्क्वायर फीट पे स्टार्टअप कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपका 25-26 लाख तक का एक सेटअप इन्वेस्टमेंट होता है, हो जाता है। 1000 स्क्वायर फीट में 15-17 लाख की स्टार्टिंग सेल आती है हमारी, ठीक है, 15-17 लाख की सेल आती है मंथली। और इसमें आपका 25-30% का ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। और आपके एक्सपेंस जैसे कि रेंट वगैरह, अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पे है तो रेंट भी कवर करना है उनको, स्टाफ है तो उनकी सैलरी भी वेयर करनी है, ठीक है, कंपनी रॉयल्टी पे वर्क करती है, रॉयल्टी भी कवर करनी है हमको, ठीक है। तो इजिली आप 5-10% में अपने सारे एक्सपेंस कवर कर लेते हैं और 20% निकलता है आपका नेट प्रॉफिट। 15 लाख का 20% मतलब 3 लाख के आसपास उसको नेट प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट निकल जाता है। बहुत बढ़िया, फिर भी मतलब मेरे ख्याल से उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो पहले ही साल में कवर हो जाने कवर हो जाती है। किसी को लेनी है फ्रेंचाइजी, आज उनका मन बना और उन्होंने आपको पैसा दे दिया, तो कितने दिन में उसका फ्रेंचाइजी आप ओपन करवा सकते हैं? एग्रीमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है हमारे बीच और उनके बीच में, साइड वो पास होती है तो छोटा स्टोर है तो हम ले सकते हैं कि 40-45 डेज के अंदर स्टोर रेडी हो जाता है, ठीक है। बड़ा स्टोर है तो उसके हिसाब से टाइम भी, जैसे कि 60-65 डेज के अंदर हम स्टोर रेडी कर देते हैं, ठीक है। मेगा मैम, फ्रेंचाइजी ओनर को क्या प्रॉफिट आएगा वो तो पता चल गया, बिल्कुल सर। लेकिन जो एंड कस्टमर है, जो सामान खरीदने आ रहा है, उसको कितनी बचत मिलती है? हम स्टोर ओपन करते हैं, ठीक है, उनमें मिनिमम 5% to 50% तक का हम कस्टमर के लिए ऑफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनको भी बेनिफिट हो साथ में। अब कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो रेट टू रेट निकालने वाली, जैसे चॉकलेट्स हो गए, है ना, जैसे कि अपना MDH मसाले वगैरह हो गए, वो रेट टू रेट MRP पे सेल आउट होती है। हमारे स्टोर पे हम क्या करते हैं कि उन पे भी डिस्काउंट देते हैं, मतलब मिनिमम 5% से लेके मैक्सिमम 50% तक तो ऑफ रहेगा ही रहेगा। 7-Eleven करती है अपने हर फ्रेंचाइजी के लिए, उनकी सेल बूस्ट करने के लिए, ठीक है, 7-Eleven अपनी साइड से ऑफर चलाती है। NNN की शॉपिंग पे आपका ये कूपन फ्री है, या फिर आप 1500 की शॉपिंग कीजिए आपके साथ ये शुगर फ्री है, ठीक है, या फिर आप 999 की शॉपिंग पे, या फिर 149 की शॉपिंग पे आफ्टर कोक फ्री है, या ऑफर्स हम चलाते हैं अपनी साइड से। अभी लास्ट दिवाली पे हमने चलाया है कि आप 155 की शॉपिंग कीजिए आपके साथ ये कुकर फ्री है, ठीक है। तो ये हम अपने हर स्टोर पे चलाते हैं ताकि उनकी भी सेल बूस्ट हो, ठीक है, और ये ऑफर मिलेगा तो कस्टमर को भी बेनिफिट होगा। कौन कौन सी कैटेगरीज में आप लोग डील करते हैं? हम जो डील करते हैं वो ग्रोसरी, दाल चावल आटा चीनी मसाले तेल, है ना, फॉर्चून, उसके बाद पर्सनल केयर, होम केयर, कॉस्मेटिक आइटम, बेबी केयर, गिफ्ट आइटम, ठीक है। आपका मतलब, कहने का मतलब ये है कि आपकी लोकेशन पे अगर कोई स्टोर ओपन हो रहा है तो क्लोथ और शूज, इन दो चीज में 7-Eleven डील नहीं करती है। अच्छा। बाकी कोई सुई लेने हैं तो भी हमारे स्टोर पे मिलेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया मैम। हाँ जी सर। मतलब पूरा एक छत के नीचे सारे सामान मिलेंगे उनको। मार्केट में सुपरमार्केट या मार्ट की या ग्रोसरी स्टोर की बहुत सारी फ्रेंचाइजी ऑलरेडी चल रही होंगी, बिल्कुल, ठीक है ना, लेकिन आप ऐसा क्या प्लस पॉइंट दोगे जो कस्टमर आपके साथ हैप्पी रहे, जो फ्रेंचाइजी ओनर है? कई फ्रेंचाइजी ऐसी हैं जो कि स्टोर ओपन करा देती है उसके बाद उनको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, आपको सपोर्ट टीम भी मिलेगी, ठीक है, कि आपको स्टोर पे क्या चलाना चाहिए, कैसे काम करना है, ठीक है, आने वाले 6-7 महीने में क्या काम कर सकते हैं हमें ग्रो करने के लिए, स्टोर ग्रो करने के लिए। और ऐसा होता है हमारे साथ, जो हमने ओपन किए छोटे स्टोर, आज के टाइम पे वो बड़े पे मूव कर चुके हैं, या फिर और फ्रेंचाइजी अपने फ्रेंड्स को बता चुके हैं, वो ओपन करके हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। तो कंपनी ने लाइक 3.5 साल या 4 साल में हमने
कम से कम 300 प्लस आउटलेट ओपन कर। ये सिर्फ 3.5 साल की जर्नी? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप जम्मू चले जाइए, कश्मीर चले जाइए, पंजाब चले जाइए, आपको हर जगह हमारे स्टोर मिलेंगे। चलिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये मार्केट में नया नहीं है, मैं बिल्कुल नई चीज नहीं लेकर के आया हूँ, लेकिन ये एक ऐसा सटीक फॉर्मूला है जिसको करके बहुत सारे लोग अच्छी सी इनकम जनरेट कर रहे हैं। आप अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। फ्रेंचाइजी ऐसी है कि जो माल जो आएगा, जो घर के जरूरत का सामान है, वो कभी खराब होने वाला नहीं है, और उसमें शायद मैम कुछ ऐसा अगर कुछ एक्सपायरी वगैरह निकल जाए तो वापस भी लेते हैं। देखो ये पॉइंट तो रह गया था तो, लेकिन एंड में आ ही गया याद। तो ये मतलब आपका किसी भी तरीके से नुकसान होने वाला नहीं है। आप बेधड़क, अगर आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, कम से कम जैसे मैम ने बताया 10-12 लाख, तो भाई आप बेधड़क इस बिजनेस में एंटर कीजिए। और मैं आज आपसे अनुमति चाहूंगा, मिलूंगा किसी दूसरी वीडियो में शानदार से बिजनेस आइडिया के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए युवा बिजनेस आइडियाज को और 7 Heaven की टीम को भी। मैम स्पेशली थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, ओके मैम।